Hello my YouTube family, it's me Crazy Blogger back with you all with another interesting DIY video. We're just gonna make some DIY frames out of some different shopping brands. As you can see in my video, I've cut it one and I'm just gonna paste it and show you that how it looks. The simple thing is I just written it by my hand. You can also print it, that's totally optional to you. And you just need white glue and you just need to paste it something like this. That's pasted, and you can just fold the corners. That will just look clean and tidy. So, ये जो मैंने sides fold कर दी हैं, as you can see in the back, मैंने ज़्यादा fancy नहीं रखा है, just use ethnic cardboard paper. वो back side पे नज़र भी आता है, that's not a problem, क्योंकि back side पे tape से जुड़ जाएगा. और मैंने ये tool की मदद से fold किया, कोई भी tool use कर सकते हो. और glue के लिए I just use white glue, और आप कोई भी clear glue भी use कर सकते हो. And as you can see कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब sheets print कर ली थी या write कर ली थी, that's totally optional to you. अब मैंने इनके पीछे जो है कार्डबोर्ड कोई भी कलर का यूज़ कर लिया है. अब मैं आपको दिखाऊंगी व्हेन आई जस्ट अप्लाई द फ्रेम्स ऑन देम. एज यू कैन सी देम आई जस्ट यूज डिफरेंट कार्डबोर्ड कलर्स ऑन द बैक ऑफ देम. तो एज यू कैन सी मैंने ये कटिंग कर ली है इसकी फ्रेम की अकॉर्डिंग टू इट साइज, लेकिन मैं इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा किया है क्योंकि ये फोल्ड भी होना है वो क्लियर लुक देने के लिए. और ये मैंने डूडल खुद किया था और इसके ऊपर मैं ये टेप्स कोई भी चूज कर सकती हूँ, आप कोई भी डिजाइन लगा सकते हो. एज इट इज पिंक तो मैं पिंक ही चूज कर रही हूँ. सो गाइस जो मेरे फ्रेम्स हैं वो अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं. एज यू कैन सी मैंने अच्छे तरीके से उनकी फोल्डिंग भी कर ली है. अब मैं इनको करूँगी डेकोर. डेकोर में सिर्फ दो को करें और यहाँ पे मैं कुछ स्टोन्स, आई एम यूजिंग सम स्टोन्स एंड द स्टोन्स आर इन पिंक एंड ग्रीन. द ग्रीन वंस ऑन द लिमिटेड एडिशन वन एंड द पिंक वन ऑन दैट वाइबी नॉर्मल वन. तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है. So I attach my sparkly stones on them. As you can see, I just use it on the width side, not on the length side, because they were just so thin and I just think to kept them normal. और इस पर मैंने pink वाले use किए हैं. As you can see, they were the round ones. जो मैंने sticking के लिए use किया है, I just use white glue for the sticking of these sparkles. अभी जो next वाला है, मैंने limited edition की जो barcode lines हैं उन पर मैंने छोटे छोटे स्पॉट से glue attach करके stones लगा लिए. As you can see, ये ग्रीन स्टोन से मैंने इन्हें ओपन साइड से लगाया ताकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे और 3D लगते हैं. सो गाइस एज यू कैन सी ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब फैंसी सा लुक भी आ गया और हमारे फ्रेम्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. अब एज यू कैन सी मैंने सारे फ्रेम्स अपने रेडी कर लिए हैं. दैट विल लुक फैबुलस ऑन योर वॉल्स. एंड द मेन थिंग आई जस्ट वांट टू से दैट होप यू लाइक माई वीडियो एंड दैट्स इट फॉर माई वीडियो. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दैट्स इट फॉर माई वीडियो. बाय बाय.